अमरावती में ट्रेन लूटी गई, सरकारी खजाना लूटकर नाटक मंडली हुई फरार। लुटेरों का पता लगाने में जुटी पुलिस, मेरा लूट से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों ने ट्रेन लूटी है। मैं कल रात स्टेशन के बाहर गाड़ी लगा के सो रहा था इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये लोग बांध के मेरी गाड़ी लूट के ले गए। पुलिस नहीं बैंड मास्टर, अभी रहा। अभी ना, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी लॉरी लेकर। बैंड मास्टर, आज ताल हम देंगे और रात तू छेड़ेगा। उठा अपना बाजा, जो फैसला मैं दूंगा तू अपने बाजे से उसकी जय जयकार करेगा। आज की अदालत का पहला अपराधी दशानंद रावण, दानवों में श्रेष्ठ, मानवों में सबसे शक्तिशाली। और न्याय ऐसा होगा कि मानव और दानव दोनों याद रखेंगे। बैंड मास्टर, मैंने ताल दिया और तेरा सुर नहीं लगा। चार वेदों का ज्ञान इन चार सिरों ने अर्जित किया, इन्हें मानवों की रीति रिवाज से जलाओ। ये लो। अस्त्र शस्त्र का वरदान पाया है इन पांच सरों ने, इन्हें दानवों की प्रथा से गाड़ो। मगर इस आखिरी सर का क्या करें? अभिरा का सिंहासन देख रहा है, इस सिंहासन का अपना इतिहास है। सिंहासन पर बैठने वाले की नजर जिस लूट पर पड़े वो उसकी हो जाती है, समझे? वरना उस सिंहासन का अपमान होता है। इस लूट पर तो मेरी नजर थी ना रावण, फिर भी तुमने उद्दंडता की, ये क्या कर दिया तूने? सिंहासन का अपमान कर दिया? अबीरा, हमसे भूल हो गई अबीरा, हमें माफ कर दो। गलती से भटकने वाले को तो माफ कर दो, लेकिन जानबूझकर भटकने वाले को कैसे? ए कोला, ये रावण के आखिरी सर का क्या करें? जलाए या गाड़े? अब हम मानव और दानव दोनों ही हैं अबीरा। ठीक है, मैं जलाता हूँ, तुम गाड़ो। बाजे में जान फूक बैंड मास्टर, डर नहीं वरना पूरे गांव में हवा फैल जाएगी कि राम राम निर्दयी है। आज इस लूट के साथ राम राम का नाम भी अबीराओं के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सरदार, लॉरी के ऊपर कुछ नहीं मिला। इन्होंने लूट का माल कहीं और छिपा दिया होगा।
ये लूट का सारा माल कहाँ छुपाया है जल्दी से बताओ मुझे। श्री राम नगर और उच्चा के क्षिप्रित कृपा। जितना तो छोड़, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। ये राम की प्रतिज्ञा है। बहुत कम समय बचा है वीरा, अगले सरदार की घोषणा। उग्रा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अगले सरदार की घोषणा जितनी जल्दी कर दें उतना ही बेहतर है। सिंहासन पर बैठने की औकात तुम में से किसी भी नहीं। जब तक लूट का माल नहीं मिल जाता सिंहासन खाली रहने दो। सिंहासन पर लगे कलंक को जो भी मिटाएगा वो बनेगा अगला सरदार। लूट की सनक ने आपको अंधा बना दिया है। अभिराम का अगला सरदार हूं मैं हूं आपका इकलौता बेटा। सिंहासन पर मेरा हक है। अपना हाथ धो तो करा। अबीर परंपरा की अंगूठी है ये। उसी परंपरा के अनुसार ये अंगूठी अपने एक बेटे को सौंप रहा हूं। निकलो यहां से। अभीराओं को न्याय देते देते सारा जीवन बिता दिया आपने। मेरे हिस्से में तो सिर्फ घाव आए। मैंने सोचा था मरने से पहले मेरे घाव भर देंगे, मगर मेरा ये विश्वास भी तोड़ दिया आपने। आपकी इन गलतियों का न्याय कौन करेगा सरदार? सिंहासन पर बैठने वाला नहीं, यह जयराम की प्रतिज्ञा है। और तब तक सरदार राम राम अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। जयराम।
जयराम ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन अमरावती में ना तो लूट का माल मिला और ना ही नाटक मंडली के बचे हुए लोग। इसी कोशिश में 15 साल गुजर गए। आज भी अमरावती में लॉरी के उस पार कोई नहीं जा सकता और यही जयराम की लक्ष्मण रेखा है। अमरावती को नमस्कार। करीब 15 साल पहले अमरावती में सरकारी खजाना लूटा गया था। आज भी माना जाता है कि वो अमरावती में ही कहीं छुपाया गया है। आखिरकार सरकार ने ये काम इस साल उत्खनन विभाग को दिया है। अबीरा जयराम की जान से मारने की धमकियों के बावजूद भी विश्वविख्यात ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र ने जोर शोर से खोज कार्य शुरू कर दिया है, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो आप अब देखने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है। वीर बहादुर हरिश्चंद्र के स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की आशा करते हुए ये विशेष कार्यक्रम हम शुभकामनाओं के साथ यहीं खत्म करते हैं। शादी पार्टी मैयत मंडन किसी भी शुभ अवसर की क्या है। अरे मैं तो सही टाइम पे पहुंच गया था माँ। ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर अभी तक आए नहीं। हाँ माँ बोलो। तुम कौन हो? एक मिनट मारो को, पिछले हफ्ते बगल वाली आंटी के बर्तन चोरी हुए थे ना। मैंने ही। इंस्पेक्टर किधर है? हरी हरी कब संघ के नाम का जाप किया जा रहे हो? कहाँ है तुम्हारा हरी? चारों दिशाओं में है, सभी चराचरों में बसे हैं, अणु में भी है, ब्रह्मांड के विस्तार में भी है। सभी चराचरों में भी? अच्छा, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक? इस धरती में? हाँ उसमें भी। आकाश में? हाँ उसमें भी। अग्नि में? हाँ उसमें भी। जल में? हाँ उसमें भी। कहाँ है हरी? जहाँ कहीं भी आप खोजना चाहें। जहाँ भी मैं खोजना चाहूँ, जहाँ भी मैं खोजना चाहूँ। इस स्तंभ में है क्या? हाँ इसमें भी। इस स्तंभ में? हाँ उसमें भी। इसके भीतर? इसके भीतर भी। इधर भी? हाँ इधर भी। इधर भी है? आज
का दिन भी खराब है तड़ीपार, कुछ और बचा है हारने को? किसी पिटी कहानी तो आज भी कोई सुनने वाला नहीं है। लूट कबाल ढूंढ कर अभिराम का सरदार बनूंगा मैं, तुम्हारा भीख मांगने। रानी कहाँ है? अंदर किसने आने दिया तुमको? मेरा इंतजार था क्या? सिगार खत्म होने का इंतजार कर रहा था, दूसरा जलाने के लिए। बोर्ड नहीं दिखा क्या? पुलिस की एंट्री नहीं। जानकर अच्छा लगा कि सबका ध्यान मुझ पर है, तो फिर ध्यान से सुनो, एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के मुख्य भूमिका में है जॉनी। वो दिवाली की रात थी, जॉनी अपने बाइक में आया मुझे मारने। मुझे देखते ही गन निकल निशाना लगाया, बस जॉनी की कहानी खत्म। जॉनी जॉनी नो पावर। बाप का घर समझा है। आखिरी ग्लास उड़ा, 5 बियर मिलेगी। और ज्यादा पीनी हो तो इसको उड़ा। उड़ाया तो लाइफ टाइम बियर फ्री, आज तक कोई नहीं उड़ा पाया, तो भी ट्राई कर ले। इनको यहां क्यों लाया? जयराम के आदमी। इंस्पेक्टर को मेरी तरफ से एक बियर। जयराम के आदमी है। जयराम 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 के आदमी है। जयराम के आदमी है। जयराम के टट्टू साले, नई फसल लग रही है, मैंने तो इससे पहले इन्हें कभी नहीं देखा। अकेले ही पी जाओगे? शुरू करने के लिए काफी है। पत्ते खेलता है क्या? जॉनी की कहानी मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन उसको मारा किसने ये तो पता नहीं। सब लोग अलग अलग बोलते हैं, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ किसको पता।
मैं कंप्लेंट फाइल करने पुलिस स्टेशन गई थी, तुम वहां ताला लगा के यहां दारू पी रहे हो। कुमारी लक्ष्मी जी, बाहर में ही तो पीते हैं, स्टेशन में पीऊंगा तो गलत नहीं होगा। जेंटलमैन, लेडीज की रिस्पेक्ट करो, आपको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट ना, आई मीन कंप्लेंट ना, लिखो। बोलिए मैडम। तुम्हें पता था कि जयराम से ट्रेजर हंटर की जान को खतरा है, उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, इतनी अकल नहीं है तुम्हें? खतरा काहे का खतरा कुमारी लक्ष्मी जी, खतरे को तो साहब ने पहले ही अरेस्ट कर लिया है, देख लो। ये कौन है? जयराम के आदमी ट्रेजर हंटर को किडनैप करने वाले थे, इतने में साहब आ गए, बोले यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम आप अपना कंप्लेन वापस ले लो। ट्रेजर हंटर ऑलरेडी किडनैप हो गया है। खेलोगे एक बार? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, आप कंफ्यूज हो रही है, ये ट्रेजर हंटर को किडनैप करने के लिए फॉलो कर रहे थे और मैंने नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉलो नहीं, इनको सिक्योरिटी दे रहे थे, हम तो यहाँ के मशहूर नेता तुकाराम जी के आदमी हैं, पुलिस पर तो एक पैसे का भरोसा नहीं, इसीलिए इन्होंने हमें उसकी सिक्योरिटी के लिए रखा था। बॉयस बॉयस वन मिनट, तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम उस ट्रेजर हंटर को फॉलो कर रहे थे ताकि उसको सिक्योरिटी दे सको, और आपका कहना यह है कि ट्रेजर हंटर ऑलरेडी किडनैप हो चुका है, इसका मतलब शो। तुम लोग मेरे कस्टडी में थे और वहां ट्रेजर हंटर का किडनैप हुआ, मतलब तुम लोग किडनैपर्स नहीं हो। कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू कुमारी लक्ष्मी, आपने इन मासूमों को चक्की पीसने से बचा लिया। मरने वाला है तो भाई ऑन द वे हथकड़ी पुलिस स्टेशन में देना मत भूलना। हाँ सचिन, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, तुम्हारी तो मैं बैंड बजाने वाली हूँ, कल तुम्हारी हरकतों का काला चिट्ठा न्यूज़पेपर में छपा दूंगी, पढ़ लेना। एक पुलिस ऑफिसर को धमकी देना सेक्शन 300 इज अ सीरियस ऑफेंस, आप सब इसके गवाह हैं, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एक्शन तुम्हारा डिपार्टमेंट लेगा तुम पर, कल का पेपर पढ़ना मत भूलना। कौन सा पेपर? हाय अमरावती ना? हाँ ओके, आई विल मेक अ नोट ऑफ दैट। एनीवेज नाइस मीटिंग यू गाइस, पार्टी में मजा आया रियली। पार्टी का बिल कौन देगा? ये तो हमारा हुआ, और तेरा? जेंटलमैन, कल अगर कोई तुम्हारा इतिहास लिखेगा तो उसके दो भाग होंगे, एक उससे मिलने से पहले, एक उसके मिलने के बाद। किससे? नाम है श्रीमन नारायण। ओ पार्टी में मजा आया? मेरी भी एक पार्टी है शांति प्रिय नाम की, लेकिन जब तक बंदूक में गोली है शांति कहां से आएगी? शांति प्रियो, सर तुकराम सर, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? रामचंद्र जी, डर के मारे इंसान का गला सूखना स्वाभाविक है। क्या करें बाबू, गला तो सबका सूखा पड़ा है, नो वॉटर। लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि पानी है ही नहीं, इट इज देयर। हमारे गांव में तालाब है, बस पानी कोई पी नहीं सकता। बताओ क्यों? सर कैप लगा है ना, कैप स्मार्ट। ये कैप है जयराम की लक्ष्मण रेखा, इसके पार तालाब तक कोई कैसे जाए? आप भी ना मजाक कर रहे हैं तुकाराम जी, दीजिए। पहले जयराम से रिक्वेस्ट करते हैं। जयराम सर, ये लक्ष्मण रेखा जो है इसको अगर आप ढीला कर दें तो हम गांव वाले इस तालाब का पानी आराम से पी। सर नहीं पी सकते क्या? जयराम सेज नो। एक मिनट। हाँ ओ, जयराम बोल रहा है उस पार तो लूट का माल छिपा है, जब तक मैं उसको खोज नहीं लेता किसी को उस पार नहीं जाने दूं। फिर तो मुश्किल है। तो जो लूट ही नहीं रही तो जयराम भी नहीं रहेगा और उसकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा भी। ऑन द सेम लाइंस, लूट का माल ढूंढने के लिए मैंने ट्रेजर हंटर को बुलाया, उसे चार लोगों की सिक्योरिटी भी दी, लेकिन तूने। सर गलती से कंफ्यूजन हो गया। एक कंफ्यूजन तो मुझे भी है। प्रिंट ऑलमोस्ट रेडी है, डिलीवरी की तैयारी करो। आज की ताजा खबर, हाय अमरावती की संपादक सुधाकर ने लक्ष्मी जी के निवेदन पर फ्रंट पेज पर मेरी तारीफों के फुल वादे होंगे। न्यूज़पेपर प्रिंट तो होगा पर किसी तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वैन तो गायब है। अरे थोड़ा धीरे से बात करो सर। तेरी माँ फोन माँ का। छोड़िए, अभी थोड़ी देर में कुमारी लक्ष्मी जी सुधाकर को लूना पे बिठाकर पुलिस स्टेशन आई रही होंगी। हाय अमरावती, आई आई क्यों भाई? पता चला साहब के बारे में कोई न्यूज आने वाली थी लेकिन न्यूज़पेपर तो आया ही नहीं। वो लिखवाने आए हैं। आज का सारा न्यूज़पेपर इनके वैन के साथ चोरी हो गया। सुबह से स्टेशन का फोन ट्राई कर करके थक गई, बस बिजी ही आ रहा है। और हाईलाइट ये है कि सब उसी थाली में खा रहे हैं। एक मिनट माँ, सब इधर ही देख रहे हैं, बाद में बात करता हूँ। साहब हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए। अरे आप तो कंप्लेंट लेने को बोलोगे और हम लिख भी लेंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। सही प्लीज। फिर आप बार बार यहां आके हमें तंग करेंगे कि हमारे बैंड ढूंढ दो, मगर ढूंढने का जोश तो आएगा ही नहीं। बोलो क्यों? रिलेशनशिप ठीक से मेंटेन नहीं किया ना इन्होंने। अब देखो हाँ, हमारी बगल वाली आंटी हमारे लिए टी कॉफी बेचती रहती है। अजय बेटा अजय बोल के थक गया, मस्त रिलेशनशिप मेंटेन किया उन्होंने। भैंस को नहला रही है। परसों आंटी के घर में चोरी हुई, 15 मिनट में चोर को पकड़ लिया। चोर से ही पूछ लो। सर 15 मिनट का, मैं तो 10 मिनट में ही आ गया था, आप ही देर से पहुंचे। चाहिए तो मैडम से पूछ लो, उस दिन ये भी तो यही थी। सुनो कंप्लेंट लिखोगे या नहीं? कंप्लेंट तो आप लिखेंगे लक्ष्मी जी, हम तो सिर्फ ठप्पा मारेंगे। थोड़ा मजा लिखिए, डेली पैसे लिखिए, जास्ती बोलने का नहीं। हेलो हाँ माँ, वो फोन कट हो गया। माँ नहीं तो कौन? वैन मिली है, सीमेंट कलर है, CEZ306। मेरी है, मेरी ग्रे कलर। आपने कंप्लेंट लिखना शुरू भी नहीं किया और हमने आपकी वैन ढूंढी। वाले तो सिर्फ नाम। वेरी गुड कोबार। क्या बोलू, काम तो मुझे ही करना पड़ता है यहाँ। ये सारा प्लान इसी का है, इसकी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है सुधाकर। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता लक्ष्मी, बिल्कुल भी नहीं। ओए सुधाकर। साहब आया साहब। हाँ। लक्ष्मी 2 मिनट। सर चक्कर चल रहा है? क्या सर? नहीं। अच्छी बात, तेरे लक्ष्मी? ऐसा नहीं है सर, लेकिन प्रॉब्लम भी कुछ नहीं। हाँ। है सर। हाँ क्या अच्छा ना, तारीफ जम के किया क्या? की तो है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है।
गलत है ना सुधाकर, वो क्या है कि आइए, वो क्या है ना, आप उस लक्ष्मी के चक्कर में इस सरस्वती को धोखा दे रहे हो। ऐसा करेंगे तो रिलेशनशिप का क्या होगा? खराब होगा। तो फिर कल क्या लिखने वाले? आपके बारे में तो बिल्कुल नहीं साहब। फिर से वही गलती सुधाकर, लिखना पड़ेगा। तुम्हारे कंप्लेंट से पहले ही हमने बैंड उड़ लिया। टॉपिक तो बढ़िया है। वो तो है, टॉपिक अच्छा है साहब। अच्छा तो ना गला खराब है क्या? हाँ? नहीं तो? तो जाइए, केस सॉल्व हो गया, रिपोर्ट फाइल कीजिए। थैंक यू साहब। इट्स ओके। पहले क्या बे? कौन कौन से कॉलम है तुम्हारे पेपर? हमारे पेपर में स्पोर्ट्स है। है ना साहब, खो खो खेलता हूँ मैं। देखो खो खो के खेल में 4 विकेट चटकाया नारायणा ने, मजा आएगा। अच्युतना? हाँ साहब। ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र। साहब ये कहां से आया मुझे नहीं मालूम। साहब डेली चेकिंग के बिना नाके से बाहर जाने वाली एक ही गाड़ी है। ये सुधाकर जयराम के साथ मिलकर ट्रेजर हंटर को गांव से निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है साहब। तेरी तो साहब। अच्छा ना एक काम कीजिए, अपनी लक्ष्मी जी का स्टूडियो है ना, 1 घंटे के लिए बुक कीजिए। तब तक मैं जयराम के किले में घुस के ट्रेजर हंटर को चुरा के लाता हूँ। ट्रेजर हंटर तो यही है साहब। यहाँ कहा है इसको ना? कहा? ओ, समझ गया साहब। हटिए सही, हटिए लक्ष्मी जी प्लीज। मैं जयराम के किले पे अटैक करने जा रहा हूँ। अमरावती का जाबाज इंस्पेक्टर नारायण जयराम के किले में घुसकर ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र को छुड़ाने वाला हमारा मसीहा। रामचंद्र जी यह खबर हमको पहले क्यों नहीं मिली? तुकाराम वॉन्ट्स टू नो। नारायणा। हेलो सरदार बुला रहे हैं। तू जाना साहब, प्रॉमिस कीजिए कि आज आप फाइट नहीं करेंगे, इनको मैं हैंडल करता हूँ। ना चुतरना, ये एसिड प्लेन जैसे इजी नहीं है। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। अच्युतना पराठे का ऑर्डर दे रहा हूँ। आपके लिए पराठा लेकर आओ तड़का मार के। पराठे में तड़का कौन लगाता पहन के टके। ओए तू कौन है? बोल के मारू या मार के बोल? इसे पराठा तड़का मार के। प्रॉमिस वापस ले लो साहब। हेलो, इफ यू डोंट माइंड। साहब झुकिए। इसके लिए झुकने की क्या जरूरत है सोना? सबके
सरदार को पता चला तो कौन है वे तेरा सरदार? जयराम चेक मेट। सरदार ने बोला था इंस्पेक्टर को पकड़ के लाओ, लेके आ गए। देख के तो लग रहा है ये तुमको पकड़ के लाया है। अमरावती की हिस्ट्री में अभिराव के किले में आने वाले हम पहले पुलिस ऑफिसर थे। यहाँ से बच के निकलने वाले पहले पुलिस ऑफिसर भी हम ही हो, वो हिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं होगी सर। अभिराव मुझे माफ कर दो। अभिराव भद्रा, राह भटकने वाले को तो माफ कर दें, गलत राह पर चलने वाले को कैसे?
मेरी रगों में भी तो अभिराम का खून है। मैं कैसे आप लोगों से गद्दारी करूंगा सरदार? अभिराम के खून की दुहाई दे रहा है तो फिर तो देखना पड़ेगा। क्या हुआ? लोग तो कह रहे हैं कि तुकाराम का खबरी था। अगली बार मेरा नाम लेने से पहले आवाज पर लगाम रखना विपासो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे बाप का वफादार था। तो उग्रा, उस कुत्ते को स्तंभ पे लटका दो। ये जो बैंड मास्टर है नाचता ना, कब से देख रहा हूं इसका दिमाग कुछ खराब है क्या? इसका दिमाग तो 15 साल पहले ही खराब हो गया था, तब से ये पतला बन के रह गया। ओह, फिर भी किसी चीज पे तो रिएक्ट करता होगा। किसी पे नहीं। सात पहाड़ों के राजा अभिराम के सरदार राम राम। बैंड मास्टर, आज भी हमारा दरबार आपके बाजे के बिना नहीं सजता। पंद्रह साल से आप बाजा बजाते आ रहे हैं और ये लोग वैसे ही मेरे पिता का जय जयकार किए जा रहे हैं। राम राम। कोई बताएगा सरदार राम राम को इस दरबार से मुक्ति आखिर कब मिलेगी? सुनिए सर, लूट का माल कहां है? किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। इसका मतलब तुम सबको हराम की खाने की आदत पड़ गई है। वो हरामी तुकाराम हमारे किले तक पहुंचने की जरूरत कर रहा है और बैंड मास्टर जी, इस तरह से नहीं, और जोर से मारना होगा। वो क्या है कि कोई बाजा छीने तो कैसे डिफेंड करना है, बस यही सिखा रहा। अच्छा सर ना, बिहेव। सर, वहां आके पूरी रेस्पेक्ट के साथ हाथ मिलाने वाला था, मगर क्या करें, हाथ बंधे हुए। हमें यहां क्यों बुलाया? अच्छा, आप ट्रेजेंडर को किडनैप करके गांव से बाहर ले जा रहे थे और हमने उन्हें बचाने की हिम्मत की और ये न्यूज़पेपर वालों ने इसी चीज को बड़ा चढ़ा के छाप दिया। सर, मैं जानता हूं कि आपको इससे बहुत दुख पहुंचा, पर आज मैं यहां खड़े होकर सच बोलता हूं सर, ये प्लान मेरा था ही नहीं। ये सब किया था ना है हमारे कांस्टेबल अच्छा अच्छा प्लीज। वर्दी क्या बनली, जोश में आ गए, इन्हें माफ कर दीजिए सर। इनफैक्ट ये तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर, क्या चल ना? इज्जत तो इन महाशय का कहना है ये हमारे चंगुल से ऑफिसर को छुड़ा ले गए। तो फिर आपके हिसाब से मैं उस ऑफिसर को गांव से बाहर निकाल रहा था, क्यों? अच्छा ना, ये आपसे ही पूछ रहे हैं, ये उस ऑफिसर को गांव से बाहर क्यों निकालेंगे? मुझे इस गांव में किसका डर? एग्जैक्टली, इन्हें यहां पे किसका डर? उग्रा, एक और बार इस इंस्पेक्टर ने मेरे सामने होशियारी की तो इस दरबार की हर बंदूक की गोली इसके छाती में जड़ देना। और तू दो बातें गौर से सुन। पहली, अगर वो ऑफिसर मेरे कब्जे में होता
तो उसे छुड़ाने की ताकत तुझ में नहीं थी। दूसरी, अगर तूने उसे मेरे कब्जे से निकाल भी लिया होता तो अब तक इस किले के बाहर तेरी लाश लटक रही होती। मतलब ट्रेजर हंटर को आपने किडनैप नहीं किया? किले के बाहर तेरी लाश लटक रही है क्या? सच तो यह है कि हमने ट्रेजर हंटर को बचाने के लिए कोई बहादुरी नहीं की, वो तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। बटेर हाथ लगी तो हम भी थोड़ा एड न्यूज़पेपर में नाम कमाने। हाँ साहब, नाम तो कमाया इन्होंने। उग्रा, ये दोनों हमारे किसी भी काम के नहीं। सर सर, एक मिनट, काम के हैं सर। आपको वो किडनैपर चाहिए ना? एक दो दिन का टाइम दीजिए, ढूंढ देंगे। क्यों चलो ना? हाँ, उस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं सर, वो ट्रेजर हंटर तो आपके हवाले कर दूंगा सर। उग्रा वापस। उग्रा सर 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 सर, सर, सर। आप थोड़ा टाइम देंगे तो खोया हुआ लूट का माल ढूंढ देंगे सर। He seems to be interested. सर, मेरे अरमानों को मेरी कमजोरी मत समझना। आप तो 15 साल से ढूंढ रहे सर, लेकिन लूट ढूंढने की टेक्निक ट्रेजर हंटर के पास। उसको अपना काम करने दो सर। आपसे खतरा है ये कहकर मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा। लूट का माल मिलते ही आपके हवाले कर दूंगा सर। मौत के डर से जुबान दे रहा है तो जुबान से फिरा तो सजा उस मौत से भी बदतर होगी जिससे आज बच रहा है। इस पे नजर रखना सरदार। इस वॉलेट में तो 5 नोट थे ना? हम भी तो 5 लोग हैं। साहब, इस बैंड मास्टर का दिमाग जो है वो डंडा पड़ने से तो खराब हुआ नहीं, शौक से हुआ है। शौक से ना, दे देना चाहिए था। इसकी भी अलग अलग टेक्निक होती है अच्छी ना, शारीरिक मानसिक। वो देख रहे हैं, वो शारीरिक है। जयराम को जुबान दिया आपने, धोखा दिया तो आपको भी। देखिए, ये मानसिक है। क्या साहब, पुलिस वाले होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जुमे तक भी निकाल पाएगा। अरे जुम्मा छोड़िए, 2 दिन में बहुत अच्छा। चलिए, कहाँ चलना है? मौका है वारदात पे। रायता तो आज से 15 साल पहले ही फैल गया था, फैलाया इन 6 नाटक मंडली वालों ने। तालियां लूटने आए थे पर लूट ली ट्रेन। लूट तो डकार गए पर अभियाओं का डर था, माहौल ठंडा होने पर माल आसानी से पार कर देंगे ये सोचकर उसे अमरावती में ही कहीं छुपा दिया। एक्सक्यूज मी, लेकिन भागते टाइम कहानी में ट्विस्ट, यहां होती है पहले खिलाड़ी की एंट्री। सरप्राइज। राम राम ने बहुत प्रेम मारा, लेकिन लूट का माल ढूंढते ढूंढते उसी का राम नाम सत्य हो गया। बट विद कंडीशन अप्लाइड। इस कंडीशन की वजह से हुई 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री, जयराम एंड तुकाराम। जयराम के पास ताकत है, अभिराव का सपोर्ट है, पूरा गांव डरता है उससे। लूट के लिए वो कुछ भी करेगा, बट ही इज इंपल्सिव। कुछ करने से पहले सोचता नहीं और अपने साथियों पे भरोसा भी नहीं। हाँ, ये काम आएगा। और ये है तुकाराम। अभिराव ने इसका बहुत बुरा कट, उन्हें खत्म करके इसे अमरावती पे राज करना, अपनी पार्टी बनाकर ये यहां पॉलिटिकल पावर हासिल करना चाहता है। ही बिलीव्स पॉलिटिक्स इज एन एक्सटेकॉइड। पर इन दोनों को छोड़ के ट्रेजर हंटर को किसी और ने ही किडनैप कर लिया है। मतलब इस खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी भी है। कौन हो सकता है? दिन दहाड़े गांव वालों के सामने ट्रेजर हंटर को किडनैप कर लिया और जयराम को तुकाराम को इसकी भनक भी नहीं लगी। दोनों खिलाड़ियों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि तीसरा खिलाड़ी भी है। मतलब ही स्मार्ट, ही करेजियस। जरा सोचिए अच्युतना, ट्रेजर हंटर को किडनैप करके किसी का फायदा नहीं हुआ सिवाय एक आदमी की, अच्युतना। कल अगर कोई अमरावती का इतिहास लिखेगा तो उसके 2 भाव होंगे, एक उससे मिलने से पहले, एक उससे मिलने के बाद। उसके मतलब किसके? नाम है श्रीमान नारायण। आई लव दैट एक्सप्रेशन। साहब 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 साहब, पर आपने ट्रेजर हंटर को किडनैप कैसे किया?
गौवर कृष्णा के बारे में चार लोग टोपी लगाए डिम लाइट में बैठे रहते हैं ना। हाँ। तो आई एम द रोड कस्टमर साहब, खेल तो आपने बढ़िया खेला है पर लूट का माल कहाँ खोजेंगे? खोजने के लिए खोदना तो पड़ेगा ना ना। लेकिन कहाँ खोदेंगे साहब? ये बताइए नाटक मंडली को गाड़ा कहाँ था? यही तो, यहीं से शुरू करते हैं। आज का दिन अमरावती के पुलिस वालों ने वो छह लुटेरे कलाकार जिन्होंने लूट के लिए प्राण त्याग दिए उनके अस्थि पंजर को ढूंढकर उनकी आत्मा को शांति देने का जो कार्यक्रम आयोजित किया है दैट इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ माय बिग प्लान। आज से आपके गांव की समस्या मेरी समस्या। मैं यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ आपके लिए। जिले से जितने भी न्यूज़पेपर निकलते हैं मैंने सब में खबर छपवा दी फिर भी इतने ही लोग आए। कितने लोग आए ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। तुकाराम जी की जय। तुकाराम जी की जय। तुकाराम जी की जय। अरे इंस्पेक्टर नारायण, सुना है आत्मा को शांति देने का प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ शांति प्रिय तो आएगा ही। खुद भगवान अवतार लेकर आपको बचाने के लिए आएगा। रास्ते में वो रामचंद्र जी बता रहे थे कि ट्रेजर हंटर का किडनैप तो जयराम ने किया ही नहीं था। मैंने नाटा पेपर नहीं पढ़ते क्या? जयराम के किले में घुसकर ही तो नारायण ट्रेजर हंटर को बचा के लाया था। अच्छा ना वो जिसने मंकी कैप पहनी रुको ना, कहीं क्यों देखा है? आ जाइए जरा पूछ के ये कहाँ देखा। सॉरी आप कुछ बोल रहे थे? लूट जयराम के हाथ ना लगे और बिना सरदार के अवीर परंपरा खत्म हो जाए। अमरावती में उसकी जगह आपकी पॉलिटिकल पार्टी ले ले। बढ़िया प्लान है। आई नो, लेकिन मुझे कुछ ऐसी खबर मिली है कि कोई तो है जिसने जयराम को लूट का माल ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस कर दिया है। ये तो बढ़िया प्लान नहीं है ना? और अब या तो वो अपने प्रॉमिस को तोड़े या मैं अपनी शांति भूलकर उसकी टांगे तोड़ दूं। तुकाराम सर, किले में खबरी के पकड़े जाने के बाद भी आपको वहां से खबरें मिल रही है, मतलब या तो आप मजाक कर रहे हैं या तो आपका कोई आदमी अब भी है वहां पे। बाय द वे इंफॉर्मेशन के लिए आपको थैंक यू बोलना भूल गया। थैंक यू। लक्ष्मी जी, मेरे और तुकाराम सर की जोड़ी में एक फोटो। स्माइल प्लीज। सुधाकर साहब, हाँ छाप दूंगा। ओके। के पास चार लड़के कौन है? पहले कभी उनको यहाँ देखा नहीं, पता नहीं कौन है। पता कीजिए। मैं आया हूँ तो सिर्फ आपके लिए। मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। पलक झपकते ही सारी बाधाओं को पार कर लिया। हमने ध्यान से सुना और विश्वास भी किया। भगवान स्वयं अवतरित होकर हमें बचाने आए हैं। इस बार हमारा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। हमारे रक्षक श्री हरि यही है पक्का। श्री हरि, श्री हरि, आखिर तू आ ही गया। लेकिन हमने तो अस्थि पंजर पहले ही निकाल लिया था, फिर आज इसने नाटक क्यों किया? अरे, अगर आज वो सब नाटक नहीं करता तो हम लोग वहां जाते क्या? वो हमारा रक्षक है और ये दिव्य संदेश है, इसे आशीर्वाद समझो, हमारा भला होगा। श्री हरि तुम्हारी जय हो। बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे आया है, कल पूर्णमासी है और इसी के साथ गरुड़ का संदेश भी आ जाए तो भविष्यवाणी सच ही समझो।
श्री हरी ये तो कोई नहीं अभार लगाएगा। इसका पीछा क्यों कर रहा है? श्रीहरि ऐसे ही हमसे दूर भागता रहा तो आज भविष्यवाणी कैसे सच होगी? श्रीहरि अगर अपने आप नहीं आया तो हम उसे वहाँ खुद लेके जाएंगे। वो कैसे? अशु ये रंग सा क्या है जमाया, रंग नहीं किस्मत ने दिन दिखलाया, टीका सा बेरंग ये जीवन कह दो जरा सुलझाओ उलझन, गलती किसी की भुगत रहे इंसाफ नहीं ये दूर करूँ कम बात है ये खरी, शाप से हो परी करो श्री हरि। बरसों पहले श्री हरि नाटक मंडली में ऐसे कलाकार थे, एक से एक कलाधर, गहरी नींद से भी जगा कर पूछो उल्टा भी सीधा भी बोल सके जो ऐसे थे। रंग नव रंग मुखोटे श्री हरि तुमसे ही आस और तुम पे ही विश्वास है। अच्युतना कुछ समझ में आया? ये लोग आखिरी नाटक के बिना गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? Yeah.
श्री हरि, श्री हरि, सुबह हो गई, उठो। पूर्णमासी पर गरुड़ ने संदेश दे दिया। कितना इम्तिहान लोगे प्रभु? इतने बरस आपकी प्रतीक्षा में बिताए, अब और नहीं सहा जाता स्वामी। सोने दो राज सोना। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वो ट्रेजर हंटर कहाँ है? सुरक्षित हैं, उनको वापस छोड़ा है श्रीहरी। गलत फहमी में हमने उसको श्रीहरी समझ लिया था। पहले पता होता कि हमारे श्रीहरी तुम हो तो तुम ही किडनैप करते। तुमको मना के लाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है तो। वन मिनट, कुछ तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो कल था, भविष्यवाणी सच हो गई इसलिए सब क्लियर हो गया। भविष्यवाणी? वही जो कल सच हुई। पूर्णमासी को गरुण का संदेश आएगा। श्री 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 गुप्तानंद महास्वामी ने ये बात 10 साल पहले ही कह दी थी। और का बोला तो था गरुड़, लेकिन अभी तो मेरी भविष्यवाणी का एक ही भाग पूरा हुआ है। दूसरे भाग को श्री हरि गंगा कसम पूरा करेगा। श्री हरि के प्रेम से ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और का मेरी भविष्यवाणी कभी भी सच नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है तो ना? समझ में तो आ रहा है, लेकिन इस पे यकीन नहीं हो रहा। आई नो। एक्चुअली स्वामी को क्लियर कट बताया था तो ना, कि सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। लंडूरे ने सब बता दिया। माफ कर दीजिए साहब। ए इधर। श्रीहरी जल्दी से बस आखिरी नाटक करवा के हमें इस गांव से मुक्ति दे दो प्रभु। सुनो तो, पहले भविष्यवाणी का दूसरा भाग पूरा करके श्रीहरि को संपूर्ण हो जाएगा। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब बिल्कुल सही जगह पे आए। अच्छा ये बताओ, मंडली ने जो माल लूटा था उसे कहाँ छुपा कर रखा है, ये तुम्हें पता है क्या? अरे साहब, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हमें तो सरकार से पगार मिल ही जाती है, ये लूट वूट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर क्यूरियोसिटी नाम की एक चीज होती है ना। हाँ होती है, होती है। और ये सब तो उस टाइम दूध पीते बच्चे होंगे। मेरा मतलब एग्जैक्टली ये लोग नहीं, इनके चाचा मामा भी तो मंडली में होंगे, हो सकता है उनको बताया। बिल्कुल बताया होगा, और इनको भी पता होगा चितोना। बेचारे बोलने से डर रहे हैं। पर नहीं बताएंगे तो श्री हरि गुस्सा नहीं हो जाएंगे? मुझे तो डर है कहीं आप गुस्सा होके इनको छोड़कर न चले जाएं। छुपाई हुई लूट तक वापस पहुंचने के लिए उन लोगों ने एक नक्शा बनाया था, बस यही सब सुनते आए हैं हम लोग बचपन से। क्या आइडिया है साहब? अगर किसी अनजान शहर में जाकर कोई लूट का माल छुपाता है तो उस जगह दोबारा जाने के लिए उसे नक्शा तो बनाना ही पड़ेगा। वही तो। हा? अच्छा ये बता, वो नक्शा कहाँ है? वो तो हमको नहीं मालूम। सच में तुम लोगों को नहीं पता? नक्शे के बारे में कुछ नहीं पता। इनको कुछ नहीं पता, और इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा, तो फिर बचा कौन? बैड मास्टर, उस नक्शे के बारे में किसी को पता है तो सिर्फ इसको, बट इसका दिमाग खराब है। ठीक करते हैं बस, और कितनी पूछताछ करेंगे। बैठ, बैठा रहा। अरे साहब, अब इनका क्या करना है? इनको कुछ नहीं पता चुना, पर नक्शे का तो पता चल गया। ढूंढते हैं पुलिस स्टेशन में। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मिल गया। अच्छा ना साहब, इनका ध्यान रखिएगा, मैं जरा शॉक दे गया था। किसको साहब? बैंड मास्टर को। तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है, आज ही यहाँ से चले जाना रहना। इस गांव में मैंने दो ही चीज कमाई है लक्ष्मी जी, एक दोस्ती, दूसरा प्यार। अगर मुझे यहाँ किसी से खतरा है तो सिर्फ एक से। नारायण सुनो, तुमने वो शांति समारोह का नाटक क्यों किया था मुझे सब पता है। आई एम नॉट ए फूल, वहां तुम्हारा नाटक देखने नहीं आई थी। मैं उस नाटक मंडली की एक्टिविटीज को बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, मुझे भी पता है कि वो लोग इसी गाँव में। आप क्या बोल रही है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम ज्यादा ओवरस्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सुनो, उनका एक अंधविश्वास है कि कोई श्रीहरि आएगा और उन सब लोगों को बचाएगा, बट फॉर सम रीजन वो तुम्हें श्रीहरि मानने लग गए हैं। इसे अंधविश्वास क्यों बोल रही है लक्ष्मी जी? आई मीन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, नहीं? मे बी,
लेकिन उसी पॉसिबिलिटी ने तुम्हें खतरे में डाल दिया है। नाटक मंडली में अलग सोच के लोग भी हैं, जो श्री हरि के होने पर विश्वास नहीं करते। इनफैक्ट दे आर डेंजरस। उनका कुछ और ही प्लान था और तुम श्री हरि बनके उनके प्लान में टांग अड़ा रहे हो। लक्ष्मी जी, आपको सच में मेरी इतनी चिंता है, जानकर अच्छा लगा। रियली आई स्वेयर। बट डोंट वरी, इस गन का नाम जानती है? हैंडसम। कोई कितना भी डेंजरस हो, हैंडसम बोलने पे हैंडसम कर ही देता है। तुमने रिस्क लेने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है फिर। यू'ड रादर नो द कंप्लीट ट्रुथ। अभी तक तुमने नाटक मंडली का एक ही चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भनक लगे कि मैं इनको फॉलो कर रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि तुमको बताना ही पड़ा। सब प्रभु का खेल है लक्ष्मी जी, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। गांव में ऐसी जगह भी है पता ही नहीं था। ये पत्थर आर्किटेक्चर बिल्कुल अभिनव के किले के जैसा है। इरादा क्या है, कहीं गलत रास्ते में तो नहीं ले जा रही है? चुपचाप चलते रहो। अच्छा लक्ष्मी जी, आप अक्सर ऐसे एडवेंचर्स करती रहती, डर नहीं लगता आपको? डर क्यों? नहीं वो जैसे आज तो मैं साथ हूँ, पर बाकी टाइम अकेली लड़की, कभी ऐसे लगता कि कोई साथ होता तो अच्छा होता। आपकी फैमिली? फैमिली मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते नारायण। आई हैव अ फैमिली मच बिगर देन दैट। एक समय था जब वो लोग पापा के संग गांव गांव जाकर नाटक किया करते थे। मेरे पापा की गलतियों की वजह से वो सब आज भी छिप छिप कर जीने पर मजबूर हैं। कौन हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, नाटक मंडली में सभी भविष्यवाणी को नहीं मानते, और उन लोगों से तुम्हारी जान को खतरा है। इस गन का नाम तो जानते ही होंगे। क्यों लक्ष्मी जी, बैठिए ना। तुम चारों में से किसने मारा था बेटा? तेरी तो लक्ष्मी जी के हाथ में गन थी ना। प्यार से बोलती बैठ जाओ, किडनैप करना है, मना थोड़ी करता। और लक्ष्मी जी सब बढ़िया? आखिर चाहिए क्या तुमको? टी, कॉफी, कुछ भी? किसी को नहीं पता था कि अब तक हम इसी गांव में हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? हाँ याद आया, एक्चुअली मैं तो बियर पीने जा रहा था लक्ष्मी जी, तभी जंगल से गाने गया वैसे। सोचा मस्त पार्टी चल रही है, बियर का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, पर वहां तो गजब ही हो गया। सब कहने लगे भविष्यवाणी सच हो गई, तुम ही श्रीहरि हो बोले और पांव पकड़ लिए। कौन श्रीहरि? वो लोग उस सड़क छाप स्वामी की फालतू भविष्यवाणी का जाप कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बेवकूफ नहीं। ए तू चुप रहना, चील अपने आप आके मेरे हाथ पे बैठ गई, देखना चाहिए था लक्ष्मी जी, मिस कर दिया आपने। सुधाकर तो इस रायते में आपका भी हाथ है। गरुड़ का भी? इतने साल से हम सब लोग बचते बचाते आए हैं, लेकिन इस गांव में जब तक रहेंगे खतरा रहेगा ही। इन लोगों को आखिरी नाटक किए बिना गांव छोड़ने के लिए सिर्फ श्रीहरि ही मना सकता है, इसीलिए गरुड़ को सुधाकर पे बैठाकर भविष्यवाणी को सच करने का प्लान बनाया था। प्लान तो आप लोगों ने बना लिया, गरुड़ को भी बना देते। पूरी ट्रेनिंग दी थी, पर मुझे बेहोश करके ये कवच तुमने पहन लिया और गरुड़ इसके बदले तुम पे बैठ गया। इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है नारायण। हे भगवान, आपकी कसम आई एम इनोसेंट, मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, आपकी कसम खाली फिर भी भरोसा नहीं है तो एक सेकंड नहीं रहना मुझे। ए इधर आ, रस्सी खोल। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा लक्ष्मी, क्या करना है इसका? पहले हम अपने लोगों को कैसे मनाएंगे ये सोचो, तब तक इसको यहीं रहने दो।
अबे ये क्या कर रहा है? बेहोश कर रहा हूं तुम्हें। इस साले को तो बाद में देखूंगा, लेकिन उससे पहले बैंड मास्टर, इसका दिमाग ठीक करना है तो पहले जयराम को कन्विंस करना होगा। इम्पॉसिबल, कन्विंस तो नहीं कर सकते बट ध्यान भटका सकते। यू हैव टू प्ले सम ट्रिक्स। मिल गया। आसान नहीं, रिस्की, पकड़े गए तो आपको भी। हैप्पी मैरिड लाइफ। अभी आया था, ये चिंदी चोर है। घोड़ी तो बड़ी जबरदस्त है। मेरे वापस आने तक घोड़ी का ख्याल रखना। सरदार को पता चला तो ठीक नहीं होगा सोमा। ध्यान रहे। हाँ। टाइम पे वापस नहीं गए तो एक शादी रुक जाएगी। जयराम सर को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। सरदार से पूछ के आता हूं, नजर रखना इस पे। कब तक आएगा वो? आज आएगा। वो दोनों तुम्हारे घोड़े के पास क्या कर रहे हैं? घोड़ी उन्हीं के लिए लेकर आया था, गिफ्ट। पिताजी की पुरानी यादें, थोड़ा संभाल के। बोला था ना पुरानी। बिना फायदे के तू कभी किसी को कुछ देने वाला है? ऐसा नहीं, बदले में वो मेरी हेल्प कर रहे हैं ना। अभी ये मत पूछना हेल्प क्या है। आज कुछ नहीं मिलेगा, सब याद रखता हूं मैं। हम भी सब याद रखते हैं अच्छे से। सरदार के दोस्त को लूट रहे हो? जयराम को पता चला ना? हुजूरे आला सरदार के दोस्त है। कहानी खत्म नहीं, याद रखो। तलाशी ली इसकी? हाँ पूरी ले ली। जाओ उपरा, उनको खोज कर किले पर लेके आ। तब तक मैं इन चारों को अपने मेहमान से मिलवाता हूं। जी। नजर रखना इस पे। इंस्पेक्टर नारायण सर, सही समय पर आए हो। ये चारों लोग कौन हैं जानते हो? उस ऑफिसर को किडनैप करने वाले, पर असल में ये चारों तो भांड हैं। पैसा फेंको तो कहीं भी ना चेंगे। प्यार से पूछताछ कर रहा था कि बताओ तुम्हें नचाने वाला है कौन। ठीक उसी वक्त
तुम आ गए। क्यों नारायण, क्या हुआ? चेहरे पे डर, कौन सी चिंता सताने लगी? वो रिकॉर्ड से थोड़ा नर्वस हो रहा हूं। थोड़ा? मुझे तो ज्यादा लग रहे हो। हाँ सर, वो म्यूजिक सुन के मुझे पापा की याद आ गई। पुरानी यादें कभी कभी चुभती है ना सर। यहां आने की वजह आपकी अपने पापा से बनती नहीं थी क्या? नहीं, वो ये फोटो देखकर डाउट हुआ। आपको तो साथ में बिठाना चाहिए था, पीछे दूसरों के साथ खड़ा कर दिया। मतलब आपकी और मेरी कहानी एक ही जैसी। मेरे पापा को भी ये बंदूक से खेलने का बहुत शौक था, हर बार उनका निशाना वही बनता था। फनी फेलो। पर बंदूक का क्या भरोसा, गोली तो कभी भी चल सकती है। इरादा अच्छा हो लेकिन अगर किस्मत फूटी है तो क्या कर सकते हैं। बट लकीली इस बार बंदूक मेरे हाथ में थी और निशाना वो। चल बस अब चल। तुमको कभी पश्चाताप नहीं हुआ? क्यों सर? अपने पिता की हत्या करने पर। कभी कभी, जैसे भी थे बाप थे ना सर, वैसे अफसोस तो आपको भी होगा ना। स्टोरी तो सेम है लेकिन आप मुझे बुरा आदमी मत समझिएगा। उन्होंने भी मुझे कम दुख नहीं दिया। जब देखो दरवाजे के पीछे चुपके मुझ पे नजर रखते थे, कोई गलती करूं तो सजा देने के लिए। लेकिन मैं भी स्मार्ट था सर, मैं धीरे से दरवाजे तक जाके चुपके से दबे पाऊ दरवाजा खोलता और जनाब सामने खड़े। तू तो मेरा बाप नहीं सरदार। इसका भरोसा नहीं था इसीलिए बाहर निगरानी कर रहा था। निगरानी कर रहा था या हमारी जासूसी कर रहा था? मैं आप लोगों की जासूसी क्यों करूंगा सरदार? इस बात का जवाब आपको मैं नहीं दूंगा सर। इसकी जेब में पड़ी अंगूठी देगी। मेरी जेब में? किले में अंदर आते समय ये अंगूठी मैंने इसके हाथ में देखी थी और जहां तक मुझे याद है तुकाराम की उंगली में भी ऐसी थी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आए नरसिंह? सरदार, जयराम सर, इस अंगूठी के नगीने गायब है। नरसिंह जी, और कौन कौन है आपकी टीम में? ये इन सब लोगों की जेब से मिले। लालच का गुलाम सरदार के दोस्त को भी लूटता है। झूठ है सरदार। और हां, सरदार के दुश्मन के सामने हाथ भी फैलाता है। ये आपको भड़का रहा है सरदार, इसका भरोसा मत कीजिए। ये हीरे हम लोगों को बारात लूटने पर मिले थे। तुकाराम की अंगूठी के हीरे कौन सी बारात लूटने में मिला था दादा? किले की रोटी कम पड़ी क्या जो तुकाराम की जूठन चाटने गया था? सच कह रहा हूं, हीरे इंस्पेक्टर के पास थे। जब हमने बाहर तलाशी ली तब उसके जेब से निकले थे। मैं भाई, अभी तो तू कह रहा था कि बारात लूट के मिले और अब तू मेरा नाम लगा रहा है। गलत। फाटक पे और कौन कौन था? सरदार, सरदार सच बताओ, फाटक पे और क्या क्या हुआ था वहां? कहानी खत्म नहीं हुई। खरीदारी कर रहे थे सरदार, पूछ रहे थे ना वो दोनों क्या हेल्प करेंगे, अभी पता लगेगा। झूठ बोल रहा है। उस समय तो ये दोनों फाटक पे थे ही नहीं सरदार। नहीं सरदार, फाटक छोड़कर हम हटे ही नहीं, हम तो वहीं थे। नहीं, इन गद्दारों ने हमारे सामने इंस्पेक्टर से घूस लिया था। इनका भरोसा मत करना सरदार। नहीं सरदार, ये लोग बचने के लिए हम दोनों को फंसा रहे हैं। हाँ सरदार, इन लोगों ने इंस्पेक्टर के जेब से तो कोई हीरे नहीं निकाले थे। जिंदा रहने का आखिरी मौका देता हूं, सच बोल दे, क्या ये सब तुम्हारे साथी हैं? है
आपको क्या लगता है ब्रह्मा जयराम सर क्या करेंगे? सरदार भद्रा झूठ बोल रहा है। याद करो ब्रह्मास्टर जी, यहाँ कोई साजिश चल रही है। 15 साल पहले ऐसी ही घटना घटी थी। यकीन कीजिए, आज तक मैंने आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला है सरदार। भरोसा कीजिए, ये इंस्पेक्टर। चल, भरोसा कर लिया तो काराम की अंगूठी कैसे मिली ये बता दे। एक तरफ था बंदूक लिए रामबा और दूसरी तरफ थे 6 नाटक मंडी वाले लोग। सबको गोलियों से भून दिया जाता है। मैं वफादार अभिराम हूं। उस तुकाराम से भीख मांगने की मुझे क्या जरूरत? मैं भी यही पूछ रहा हूं नरसी, उस हरामी से भीख मांगने की क्या जरूरत थी तुझे? उस दिन के शौक से आज तक उबर नहीं सके ब्रह्मेश्वर जी। अगर वही घटना फिर से आपके सामने घटे तो? नीयत साफ है मेरी, आज भी। इसीलिए आसान मौत दे रहा हूं। गोली सर के पार जाएगी और दर्द भी नहीं होगा। बाबा को प्रणाम कहना। एक ही बार में मारेंगे तो सजा कैसे होगी? वो तो मुक्ति हो गई ना। इन लोगों को तो तिल तिल करके मारना चाहिए। विभासो, इंस्पेक्टर सही बोल रहा है। इन सबको काल कोठरी में फेंक दो। सर, मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूं। नारायण, नरसी की बात मानो तो ये तमाशा तुम्हारी साजिश भी हो सकती है। सर, इतनी हिम्मत में कैसे कर सकता हूं? होशियारी और बेवकूफी में फर्क जानते हो? होशियारी की सीमा होती है, बेवकूफी की नहीं। 15 साल से जिन्हें ढूंढ रहा था वो तुझे मिल गए, ये जानता हूं मैं। कुछ ही समय में वो सब मेरे किले में आ जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं उन सबको मुक्ति दे दूंगा और तुझे तुझे मैं मुक्ति नहीं दूंगा नारायण। जैसा कि तूने ही कहा था, हर रोज तिल तिल करके मारूंगा। चिच्चा को इतना मस्का मारा फिर भी नीचे रख दिया। उस इंस्पेक्टर का भरोसा नहीं है। सोचो अगर वो तो कराम का आदमी निकला तो? सरदार हम दोनों को कल पक्का जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ना यार, बस तो गए, सरदार को हम पर कोई शक नहीं हुआ। बाकी कल की कल देखी जाएगी। देखो कुछ दिन हमें साथ में रहना होगा। रूममेट्स के बीच में लड़ाई फ्रेंड्स बन जाते हैं। रुको रुको, देखो वहां से भी शेकिंग कर सकते हो। जब जयराम को पता चलेगा कि ये लोग निर्दोष हैं, तो वो हर हाल में असली खबरी को ढूंढ ही निकालेगा। यहां रहना ठीक नहीं, ये जगह तुरंत खाली करना होगा। तो तुम यहां से सीधे तुकाराम के पास जाओगे? हाँ, ये सुरंग किले के बाहर तक ले जाएगी। चलो। एक मिनट, बस ये 4 मिले हैं, इनका मुंह खुलवाया
तो सबका ठिकाना बता देंगे। और ये इन्हें बचा रहा था तो इसे भी उठा लाए। सरदार हेलो सरदार तो छोड़ दे वरना ये मारा जाएगा। शायद तुम सिचुएशन समझे नहीं। अच्छा ना सेब। अब हमें साहब अंगूर 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 दीजिए ना। अच्छा ना आप केले भी ताजे। अगर हमें कुछ हुआ तो मरेगा आपका सरदार है ना सर। निशाने पर तनी बंदूक को किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं। मुंह क्या देख रहे। जल्दबाजी मत करो। कोई भी गड़बड़ हुई तो सरदार की जान को खतरा होगा। सिचुएशन समझ गए ना। आगे बढ़े। तो कुछ भी कर ले आज किले से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हैं। जाऊंगा ना सर। सवारी का वेट कर रहा हूं। पता नहीं क्यों टाइम लगा। बोलने के लिए कुछ बचा है क्या नारायण। आपकी हाइट क्या है सर। 7 फीट तो होगी ना। आदरणीय हाफ ब्रदर। हेलो सर। सही टाइम पे एंट्री मारी। आपको ही याद कर रहा था। 100 साल की उम्र है मेरी। बंदूक नीचे कर दो सब। मैं 3 तक नहीं गिनता। मैंने ही बुलाया है। किले में दोबारा कदम रख के तूने गलती की है तुकाराम। दाढ़ी कच्ची पक्की हो गई लेकिन बॉडी अभी भी फिट है। गुड। देखा मेरे भाई को। भरत मिलाप। तुकाराम सर दोनों भाई बहुत साल के बाद मिले। हैव गुड टाइम। तो मैं चलूं। अच्छा ना। हाँ। नारायण आई वॉज थिंकिंग जिस सांप ने भैया को डसा वो मुझे नहीं डसेगा। इसकी क्या गारंटी। आया बड़े भैया इसका सर कुचल दे तो जस्ट टू बी सेफ। तुम्हें क्या लगता है। एक बार नीचे देखिए फिर बताइए क्या लगता है। शांति प्रियो थोड़ी शांति रखो। अच्छा ना। चलो चलो चलो। एक मिनट। जयराम अगर तुकाराम को ठोके तो तुम लोग जयराम को ठोक देना और अगर तुकाराम जयराम को ठोके तो तुम लोग तुकाराम को ठोक देना। और अगर तुम दोनों में से कोई बच जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलना। आई एम क्यूरियस। और किया तो इनमें से किसी एक में तो गोली नहीं है। किस में। आई एम श्योर यू विल फाइंड आउट। किसी का उधार नहीं रखते हम। वक्त आने पर चुका देंगे। साहब चलिए। बाबा को वचन दिया था कि तुमको जान से नहीं मारूंगा
और मैं अपने वचन का पक्का हूं तुकाराम। शांति प्रियो, कांग्रेस, किला हमारा। अच्युतना आया साहब। शिरानवर और केक्षवृत जारीपा। बंदूक की गोली की आवाज सुनते ही बैंड मास्टर यही लाइन दोहराता है अच्युतना। ये लाइन उसे कैसे याद रह गई? दिमाग खराब होने से पहले अगर उसके दिमाग में ये लाइन अटकी है तो इसका मतलब क्या हो अच्युतना? शिरानवर रावण का एक नाम, ओरोचा केक्षवृत जारीपा, ये तो संस्कृत का श्लोक लग रहा है। ओरोचा केक्ष वृत्त चारीपा, वृत्त चारीपा साफ। केक्ष मतलब छोटा सा, वृत्त मतलब गोला, मतलब सर्कल साहब। शिरान और ओरोचा केक्ष वृत्त चारीपा मतलब पता है? ठीक से याद करो, कहीं तुम्हारे किसी नाटक में तो ये लाइन नहीं आती? ऐसी लाइन तो नहीं है। तुमको हर नाटक की हर लाइन याद है क्या? क्या बोलते हो साहब, नींद से भी उठाकर पूछो फिर भी एक एक लाइन सुना देंगे आपको। श्री हरी, हाँ पुरानी नाटक मंडली जो थी वो उल्टा याद भी रखती थी और सुना भी सकती थी। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वनराशि। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वनराशि, नाटक है समुद्र मंथन, सीन 36। समुद्र मंथन से पारिजात का वृक्ष निकलता है और इंद्र उसे नंदन वन में लगा देते हैं। सूर्यास्त होने पर पारिजात वृक्ष पर फूल खिलते हैं और उजाला चारों तरफ फैल जाता है। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वनराशि रोशन हो जाती है। ये लाइन तो नाटक में है श्री हरि। आखिरी नाटक के बारे में बताया था ना श्री हरि, यही है वो समुद्र मंथन। आखिरी नाटक, आखिरी लूट, लगता है छुपाए हुए लूट और पारिजात के पेड़ में कुछ तो कनेक्शन है अच्युतना। उस लूट तक पहुंचने के लिए नक्शा नहीं बनाया उन्होंने, उसका सुराग आखिरी नाटक में छोड़ गए। अच्युतना, अगर हमें पारिजात के पेड़ को ढूंढना है तो इनका आखिरी नाटक देखना पड़ेगा साहब। अब बस ये सब छोड़िए, कब तक इन बेचारों की परीक्षा लेंगे आप? मान क्यों नहीं जाते कि आप ही श्री हरि हैं? मान तो जाऊं अच्युतना, लेकिन लेकिन भविष्यवाणी का दूसरा भाग भी तो पूरा करना है श्री हरि। एग्जैक्टली, उसे भी तो पूरा करना है। क्या है वो? क्या है वो? और कहा लक्ष्मी के बिना श्री हरि अधूरे हैं। श्री हरि तुम्हारे कष्टों को तभी दूर कर पाएंगे जब होगा श्री हरि लक्ष्मी का मिलन। कौन लक्ष्मी? अच्युतना फंस गए, नाटक देखने के लिए इसको पटाना पड़ेगा। किसको? लक्ष्मी को। उसे कुछ खाने को दिया? दो डंडे खिलाया मैंने, पेट भर गया होगा। एक घंटे में सुधाकर के प्रेस पहुंचना है, रघु भैया सबको उधर ही ले आएंगे। और सुधाकर? वो भी आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे लोग इसके बदले सुधाकर को श्रीहरी मानेंगे। भविष्यवाणी की दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये श्रीहरी कैसे बनेगा? खाना, खाना। बिरयानी है क्या? वो तो मैंने खाया था, तेरे लिए इडली। अ
अगर ये कहूँ कि मैं सुधाकर को पसंद करती हूँ, उसके अलावा किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती, तो सबको मानना पड़ेगा। शंकु भाई, मेरे आंसू पोंछ दोगे? रोता क्यों है भाई? कुछ नहीं, आप इतने प्यार से खिला रहे हो कि मुझे मेरे पापा की याद आ गई। लगता है कोई बहुत याद कर रहा है। वो लगता है मेरे डिपार्टमेंट वाले कल रात से गायब हूं ना मैं, सब मुझको ही याद कर रहे होंगे। शंकु जी, हाँ? इडली, हाँ? आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आपका एहसान चुकाऊं भी तो कैसे, सुधाकर की जगह मैं थोड़ी ले सकता हूं। ओ गॉड, ये चटनी कितनी तीखी है। लक्ष्मी, मुझे तो इस इंस्पेक्टर को किडनैप करके यहाँ रखना ठीक नहीं लग रहा है, और सुधाकर के नाम पे फिर से सबको मनाने में भी बहुत टाइम लगेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है शंकु, ऐसे कैसे छोड़ दें? मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये यहाँ रहेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हमारे लोगों ने तो उसको शेयरी मान ही लिया है, अपने काम के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं ना, अकेला नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोग गाँव छोड़कर नहीं चले जाते इस पे नजर रखेंगे। शंकु, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसके लिए मैं मानने वाली नहीं हूँ। मानना ही होगा, लक्ष्मी को हमारे लिए नारायण को अपनाना ही पड़ेगा, अब तो गरुड़ का संदेश भी आ गया। गरुड़ का संदेश आया तो क्या, कल गरुड़ किसी और पे भी तो बैठ सकता है, लेकिन लक्ष्मी का दिल ऐसा नहीं है, वो पहले से ही किसी और को अपना मान चुकी है। हम नहीं मानते। मानना पड़ेगा, थोड़ी ही देर में लक्ष्मी खुद अपने प्रियतम के साथ यहाँ आने वाली है, अपनी आँखों से देखोगे तभी मानोगे ना, देख लेना, देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। मैं थोड़ा लेट हो गया क्या? तुम जरा कंट्रोल में ही रहो। छी लक्ष्मी जी, मैं तो कंट्रोल में। अपनी बात से पलटना मत, आज ही गांव छोड़ने को बोलो। ऑफ कोर्स। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हेलो, बस काफी, आप लोगों की खुशी देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आपका ये श्रीहरि वादा करता है कि आपकी रक्षा करेगा और आपको कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। और आपका ये श्रीहरि आपसे दिल से कह रहा है कि आपको गांव छोड़ने के लिए आखिरी नाटक करने की जरूरत नहीं है, सब निकल सकते हो। बुरा लगा? तो ठीक है, आप नाटक करके ही जाइए। ए डोलची, शुरू कर। ड्रामा मास्टर, ये नाटक पूरा होने तक हम लोग सुधाकर के यहाँ एक फैमिली की तरह रहेंगे। बेचारे सुधाकर जी बचपन से सिंगल है, इनका घर आबाद कर देते हैं, है ना सुधाकर? आदरणीय हाफ ब्रदर, आइए, आप ही का इंतजार था। जीत का जश्न मनाने के लिए कब से कोई खून का रिश्तेदार ढूंढ रहा था, याद आ गया तुम यही हो, इसीलिए तुमको बुला लिया। अरे बैठो ना। बाय द वे, जज रहा हूं ना इसमें, याद है कई साल पहले भेस बदल लेने से तेरी रगों में बहता हुआ खून तो नहीं बदलेगा तुकाराम। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, ये मत भूल के मेरी रगों में भी राम राम का ही खून बह रहा है, मैं भी यही जीना चाहता था इसी किले में एक अबीरा की तरह पूरे। तो कभी हम जैसा था ही नहीं बाबा, तुझसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते थे, जलता था तुम मुझसे, इसीलिए तूने उनको ही। बाबा के मन में तेरे लिए भरोसा नहीं, रहम था। जो कुछ मैंने भोगा है वो तुझे भी भुगतना ही होगा जयराम, जितना कुछ तूने मुझसे छीना है
वो सारा कुछ मैं तुझसे छीन के ही रहूंगा। बाबा ने नाटक मंडली के पूरे खानदान को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली थी और मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पे सौंप गए थे। पता है क्यों? उन्हें पता था तू उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लायक नहीं है। मरते दम तक तू अभीरा नहीं बन पाएगा तुकाराम। सतयुग में कुछ ऐसा हुआ था कि अमृत पाने के लिए देव और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू कर, और इसे पाने की विधि मेरु पर्वत के पूर्व में स्थित मंदार को अपनी मथनी बनाई है और वासुकी को उसकी नेति। मंदार पर्वत मथनी बना और वासुकी मथनी की रस्सी बना। देखिए समुद्र मंथन कार्य प्रारंभ किया जाए। ये समुद्र मंथन करने पर अमृत के साथ ये कामधेनु, ऐरावत, चंद्र, लक्ष्मी ऐसे ही 14 रत्नों का उद्भव हुआ। उन्हीं में से एक रत्न ये वाला, ये पारिजात है। इसका मतलब अगर पारिजात का पेड़ मिल गया तो हमें लूट का माल भी मिल जाएगा। मिल तो सकता है लेकिन उसे ढूंढेंगे कहाँ? सिंपल एक्चुअल ना, ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज। स्टेज पे क्या क्या दिख रहा है? राक्षस है, देवता है, और आहा, ये मंदार पर्वत क्षीर सागर के ऊपर है। सो शेषगिरी पर्वत। एग्जैक्टली, क्षीर सागर मंदार पर्वत। पर ये पहाड़ इतना बड़ा है कि इस पर पारिजात का पेड़ ढूंढने में हमको कम से कम 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे साहब। पूरा पहाड़ नहीं ढूंढना है जुटाना। सीन 36। समुद्र मंथन से पारिजात का वृक्ष निकलता है और इंद्र उसे नंदन वन में लगा देते हैं। बस, नंदन वन मतलब जंगल। सो, हमें सिर्फ इस पहाड़ का जंगल छानना है। इस पहाड़ पे जंगल तो क्या है, एक पेड़ भी नहीं है। नहीं है? 100% नहीं है। जंगल तो सिर्फ कल्पगिरी, विश्वामाला, पुष्पगिरी पर ही मिलेंगे। इसका मतलब हम कुछ तो मिस कर रहे हैं चुनाव। हमें सही सुराग मिलने तक कुछ और बार नाटक का रिहर्सल देखना होगा। अब रिहर्सल देखने के लिए रात तक वेट करना पड़ेगा। सुधाकर, ये लो सब में बांट दो। जी सुनिए साहब, इस लक्ष्मी जी का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा। ड्रामा मास्टर, वो क्या है कि मैं सोच रहा था सबके आशीर्वाद से मैं और लक्ष्मी जी पहले शादी कर लेते हैं, नाटक तो बाद में करते रहेंगे। क्यों? ये कैसे हो सकता है? आखिरी नाटक खत्म होने के बाद ही आप कर्तव्य से मुक्त हो पाएंगे। तब तक लक्ष्मी को आपके लिए रुकना ही पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? बेचारी सीधी साधी लड़की को कितना सताएंगे? उस लक्ष्मी ने क्षीर सागर से उद्भव होकर श्रीहरि विष्णु के समुद्र मंथन समाप्त करने तक मेरु पर्वत के जंगल में जाकर घोर तपस्या नहीं की थी। मतलब उस लक्ष्मी के किए का फल इस लक्ष्मी को भुगतना पड़ेगा। बेचारी लक्ष्मी जी को मेरे लिए कितना वेट करना पड़ेगा? ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा साहब, भाभी जी ऑलरेडी कार्ड बांट रहे हैं। रियली? सुनिए सुनिए, ये लो भारती भी आ गई। पैम्फलेट मिल गया क्या? लो, अब पुलिस हफ्ता देगी। आज से आप लोगों की सारी चिंता एक मिनट, और ये क्या है लक्ष्मी जी, 4 दिन में आखिरी नाटक हो रहा है? आपके इतने वर्षों का सपना आपके श्रीहरि की कृपा से आज साकार होगा। जाइए तैयारी कीजिए। लक्ष्मी जी, मुझे तो नाटक की एक दो और रिहर्सल देखनी थी।
ओहो, अब क्या करें? अब तो नाटक का सारा सामान भी इकट्ठा होने लगा है। आज से ये सब लोग नाटक की तैयारी में बिजी हो जाएंगे ना। देखिए लक्ष्मी जी, ये बिल्कुल गलत है। देखो उधर, देखो तो सही नारायणा, क्या जश्न, क्या खुशी। तुमको भी तो इनकी खुशी चाहिए थी ना। रुको, रुक जाओ सब लोग, प्लीज कोई खुशी मत मनाओ, मैंने नाटक करने की परमिशन दी नहीं। बुरा लगा? हाँ, फिर तो ये हाँ बोल देंगे। आपके श्रीहरि ने वादा किया था कि आपको कभी दुख नहीं। श्री हरि की जय, श्री हरि की जय, श्री हरि की जय, श्री हरि की जय, श्री हरि की जय। मास्टर मुझे रखे या इसे भी निकाल दे। कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए। बेकसूर होके भी आप सालों तक सजा भुगतते रहे, आपकी इस हालत का कारण हम लोग भी हैं। बीते हुए समय को तो हम वापस नहीं बुला सकते, पर आने वाले कल में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज से आप ही नहीं, आपका संगीत भी आजाद है, भरोसा कीजिए। हमें कुछ सुनाएंगे प्लीज? लक्ष्मी जी, बाजा आपने ठीक करवाया क्या? दोस्त है बैंडमास्टर जी, डरने की जरूरत नहीं। लॉरी, लॉरी वापस कर दो मेरी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चले जाना बैंड मास्टर, लेकिन जाने से पहले लूट का माल कहाँ छुपा है बता के जाना। वो बिल? कौन सी बिल? उस लूट को मैं ढूंढ लूंगा, मुझसे आज तक कोई चीज छिप नहीं पाई। बंदूकें तो इकट्ठी हो गई है उग्रा, लेकिन सरदार को छुड़ाने के लिए हमारे पास आदमी कम है और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। (स्थाथ)
बैंड मास्टर चकमा लेके भाग गया। डोंट वरी, ढूंढने का बंदोबस्त कर लिया है। जितनी चिंता आपको है उतनी मुझे भी। I'm sure. लेकिन तुम्हारी चिंता का कारण अलग है बस। सॉरी, तुमसे पूछे बिना तुम्हारे कमरे की तलाशी ली। ये क्या है नारायणा? कोई घिसी हुई पेंटिंग लगती है। क्या छपा है कुछ? नाटक मत कर, ये देवी लक्ष्मी का चित्र है जो लूट के सिक्कों पर छपा है। हमको पता है कि तुम लूट के पीछे पड़े हो। इतने दिनों से तुम अपने स्वार्थ के लिए लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो। भावनाओं के बारे में आप नहीं बोले तो बेहतर होगा लक्ष्मी जी। सुधाकर जी को श्रीहरि बना के सबको धोखा देने का प्लान आपका भी था? वो सब मैंने उनकी जान बचाने के लिए किया था, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपने पापा की गलती का प्रायश्चित करना था आपको, क्या ये स्वार्थ नहीं है? अगर उस दिन वो लोग लूट के साथ अमरावती से भाग जाते तो आज आप लोग उसी पैसे से ऐश कर रहे होते, क्या ये गलत नहीं होता? सही गलत तो सिर्फ नजरिया होता है लक्ष्मी जी, हमें दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं। और मेरे नजरिए से देखें तो मैं भी गलत नहीं हूं। हम सबके अंदर एक रावण बसता है और एक नारायण भी। मेरे पापा ने रावण का पात्र करते करते अपने अंदर के रावण को चुना। तुम भी वही गलती कर रहे हो। जब तुम्हारे अंदर का रावण खत्म होगा और नारायण जाग उठेगा, उस दिन सही क्या है और गलत क्या है समझ जाओगे। लक्ष्मी, चले जाओ, अब हमें कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। हम इतने टाइम से पारिजात भी क्यों अटके हैं? सुराग बाकी 13 रत्नों में से किसी में हुआ तो? उस लक्ष्मी ने शीर सागर से उद्भव होकर श्रीहरि विष्णु के समुद्र मंथन समाप्त करने तक मेरु पर्वत के जंगल में जाकर घोर तपस्या नहीं की थी? मेरु पर्वत, मेरु, 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 मेरु। मेरु पर्वत के पूर्व में स्थित मंदार को अपनी मथनी बनाई है। मेरु पर्वत के पूर्व में है मंदार, इसका मतलब मंदार के पश्चिम में मेरु। जंगल तो सिर्फ कल्पगिरी, विश्वामाला और पुष्पगिरी पर ही मिलेंगे। लक्ष्मी, इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट, आपको सुनने की जरूरत नहीं। इन सबको उठा के कमरे में डालो। ये चलो उठाओ, उठाओ, जल्दी करो। लक्ष्मी जी को मैं उठाऊं? जंगल में कहां ढूंढेंगे? लक्ष्मी ने पेड़ के नीचे तपस्या की थी अच्युत। यहां तो किसी भी पेड़ पे कोई निशान निशान नहीं दिख रहा है। साहब, इतने सारे पेड़ पता नहीं सालों ने कहां छुपाया होगा। आप होते तो किस पेड़ के नीचे छुपाते अच्युत? सबसे ऊंचे वाले पेड़ के नीचे। सभी पेड़ तो एक बराबर ही है। तब तो मैं सबसे तगड़ा वाला पेड़ ही चुनता। बेसिकली आप उसी पेड़ को चुनते जो सबसे यूनिक है। तुम लोगों को जो भी पेड़ थोड़ा सा अलग लगे उसके नीचे खोदो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। वो बेल निशान लगाया नहीं, अगर चढ़ाया गया है तो निशान नहीं लगाया। ये बेल चढ़ा के गए हैं। गरुड़ को सुधाकर के ऊपर बिठाने का प्लान था तुम्हारा, लेकिन वो बैठा किस पर? नारायणा पर। फिर तो ईश्वर की यही इच्छा होगी। अगर वो सच में श्री हरि है
तो लक्ष्मी का दिल जीत लेता, पर ऐसा हुआ तो नहीं ना। सुधाकर। लक्ष्मी, पता था ये नारायण भसड़ मचाएगा, मुझे पता था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए सारी व्यवस्था कर ली है मैंने। आप लोग डरो मत, गन तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। ए, 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 क्या कर रहे हो? अरे कहां लेके जा रहे हो उनको? इसके आगे किस्मत साथ नहीं देगी। किस्मत बदल भी सकती है तेरे पर। ए, तुकाराम को खबर कर दो, जाओ। सिंहासन पर बैठते ही अपने साम्राज्य को आग लगाने वाला मैं पहला राजा बनूंगा। लक्ष्मी, तैयारी शुरू करो। ए, देख अब तक तो मैं चुप था, और मारा तो हड्डी पसली कर दूंगा। ओए, मेरे साहब को एक बार और मारा तो समझ लेना। अच्छा आपको कसम है, चुप हो जाओ, जितना बोल रहे हो उतनी ही दुराई कर रहे लोग। इसकी सेवा सत्कार करते रहो, बेटी को जीप में डालो, तुकाराम हम सबका इंतजार कर रहा होगा। पुराने जमाने का खजाना है तो एक बार खोल के देख ले क्या। तुकाराम को पता चला तो अभिराम और नाटक पंडली के साथ किले में हमारी चिता भी जला देगा। तुकाराम ने तेरी नाटक मंडली वालों को कैद कर लिया है, सुबह तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुकाराम को कैसे पता चलेगा, खजाना देखने में क्या जाता है थोड़ी बार। ठीक है ठीक है, जल्दी से नजर मार ले। पेटी में तो पत्थर भरे हैं, लूट का भाव कहां है पता। कांस्टेबल को यही लटका के सब किले पर पहुंचो, मैं जाकर तुकाराम को खबर करता हूँ। तुम लोगों के सामने दो रास्ते हैं, मुझसे वफादारी करो या फिर तुकाराम के तलवे चाटो। बी
मेरे बरसों का सपना आज जाकर पूरा होगा रामचंद्र जी। मैं इस किले में अभिराओं को तूने बाबा को वचन दिया था तू मुझे मार नहीं सकता जा रहा हूं। किसने कहा मैं तुझे मारूंगा? इतने साल बाद मिला है तड़ीपार, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन गद्दार का गद्दार ही रहा। चल, मौत बुला रही है तुझे। तड़ीपार सरदार, लूट की पेटी तो मिल गई लेकिन उसमें सिर्फ पत्थर थे। बैंड मास्टर, नहीं, पेटी में सिक्के थे, मैंने खुद देखा था। लूट उसमें थी मगर अब नहीं है। इसका मतलब किसी ने उसको वहां से निकाल दिया है। लूट का माल छुपाया तुम लोगों ने, निकाला भी तुम लोगों में से ही किसी ने। किसने? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम सबके शरीर की चमड़ी छील छील के मैं अमरावती में लाशों का ढेर खड़ा कर दूंगा। लूट कहां है? साला इतना झमेला किया इस लूट के लिए, मिली भी तो ये खाली पेटी। बेचारे पापा भी ढूंढ रहे होंगे मुझे। बाप रे, ओके, ओके। ये कैसी खुशबू है? कुछ तो बढ़िया स्मेल आ रही है भाई। फ्लावर, बेचारा अभी अभी खिला है पर मेरे साथ ही मुरझा जाएगा। इसकी लाइफ ही मीनिंगलेस है, बिल्कुल मेरी तरह। वेट, मीनिंग है ये शाम को खिला है, इसका मतलब वृक्ष के चारों ओर वन राशि। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वन राशि। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वन राशि। सूर्यास्त होने पर पारिजात वृक्ष पर फूल खिलते हैं और उजाला चारों तरफ फैल जाता है। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वन राशि रोशन हो जाती है। तो मिल गई पर माल हाथ आया मुंह को ना लगा। अरे जिंदा ही नहीं बचूंगा, टॉक्सिन बचा के करूंगा क्या? कितनी देर लगा दी? आइए साहब, बाहर आइए। आ तो गए थे टाइम पे, जब ये लोग तुमको कूट रहे थे उसी टाइम। तो आए क्यों नहीं? इतनी देर साहब के मरने का वेट कर रहे थे क्या? उधार सिर्फ जान बचाने का था,
हमारा हिसाब बराबर। लूट कहां है? कहां है लूट? से बहुत दूर बता दूंगी कहां है, लेकिन मेरे लोगों को तुम्हें जिंदा छोड़ना होगा। मैंने बाबा को वचन दिया था तुम्हारे खानदान की चिता मेरे बदले की आग से जलेगी, और एक अभीरा अपने वचन से पीछे नहीं हटता। लूटने वाले सब लोग मर चुके हैं, ये उनके किए की सजा नहीं भुगतेंगे जयराम। तुम्हें लूट चाहिए या हम सबकी जान, फैसला तुम्हें करना है। डरने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी, श्रीहरि जब तक है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्रीहरि कहा है तेरा श्रीहरि? सिर्फ मैं जानती हूँ कि लूट का माल कहाँ है। अगर मेरे लोगों को कुछ भी हुआ ना तो न लूट मिलेगी न सिंहासन। हेलो ब्रदर, तुम्हारे लिए पार्सल आया है। अमरावती पुलिस डिपार्टमेंट की चौकनी आगे और पैनी बंदूक के आपको चारों तरफ से घेर चुकी है। इस जानलेवा चेतावनी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अपनी जगह से हिला तो अंजाम क्या होगा उसका एक नमूना पेश करता हूं। एक मिनट, कोई अपनी जगह से हिले नहीं है? कोई भी अपनी जगह से हिला तो अंजाम क्या होगा उसका एक नमूना इन सबको दिखाता हूं। बॉयस, सर देख के शूट करो, ओके? नमूना देख लिया ना, तो चलो अपनी अपनी बंदूक की फायरिंग। उसे मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर, हाँ गौर कीजिएगा, जान की बाजी लगाकर लक्ष्मी जी मैंने लूट के माल को आपके लिए ढूंढ निकाला। सो यस, यहां जो भी अभिलाओं का सरदार बनना चाहता है वो हाथ उठाए, बदले में इन लोगों को जिंदा छोड़ना होगा। गिव एंड टेक, क्या बोलते हो? लूट तो तू लेकर आ गया लेकिन जान की बाजी अब लगा रहा है। आप चुप रहिए सर, आप तो वचन तोड़ के इन लोगों को जिंदा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने वचन तोड़ ही दिया। सो यस, मार्केट ओपन हो चुका है, जो भी सरदार बनने में इंटरेस्टेड हो बिना संकोच के हाथ उठाए। देर, ये रहे पहले उम्मीदवार, सेकंड कैंडिडेट। गुड, आप, यू सीम लाइक एन इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, आगे आइए। आपका नाम? जयराम सर, मेरी बात सुनिए।
मैंने पहले ही कहा था, होशियारी की सीमा पार करना बेवकूफी होती है। जान की बाजी लगाई थी ना नारायण, अब जान देने के लिए तैयार हो जा। सिंहासन का कोई दावेदार नहीं, मैं बैठता हूं और बाबा को दिया हुआ वचन भी पूरा करूंगा। अब बुला अपने श्रीहरि को, बुला। सात पहाड़ों के राजा, अभिराम के सरदार, राम राम की धर्म संतान, मैं जयराम अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करते हुए सर एक है। इधर, आपने अभी बोला ना कोई दावेदार नहीं है, इधर एक है। जेंटलमैन, कल को अभिराव का इतिहास लिखेगा तो उसके दो भाग होंगे, एक उसके सरदार बनने से पहले, एक उसके सरदार बनने के बाद। कौन है वो? नाम है श्रीमान नारायण। नारायण जरम सर, शांति। रूल के हिसाब से लूट ढूंढते ही मैं सरदार बन चुका हूं, और अब मैं सरदार बन गया हूं तो अभिराव के इतिहास में लिखने के लिए क्या बचेगा? सिर्फ एक फुल स्टॉप, बताओ क्यों? अभी परंपरा आज से खत्म, आज के बाद इस प्रथा का पालन करने की जरूरत नहीं। ये सरदार श्रीमन नारायण का पहला और आखिरी आदेश है। देखिए, किले के बाहर आग लग चुकी है और थोड़ी देर में आग अंदर तक आ जाएगी। तुम लोगों की फैमिली है यार, उनके बारे में तो सोचो। देखो अपने सरदार की बात मानो, प्लीज निकल जाओ। किसी ने भी यहां से हिलने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। आ, 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 आ। देखो तुम्हें से कई लोगों ने सरदार बनने के लिए हाथ उठाया था। जयराम सर वैसे भी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुड। इतिहास को खत्म करने चला है, मैं उसी इतिहास को तेरी मौत से फिर शुरू करूंगा। Come on!
अरे वो इतिहास शुरू करने वाला कहाँ गया? अरे यहाँ
हमारी जान बचाने के लिए सिर्फ हमारी जान नहीं पूरी अमरावती की। नारायण जग गए ना लक्ष्मी जी, मरता हुआ नहीं छोड़ पाया। श्री हरि, आपकी कृपा से अमृत देवो को प्राप्त हुआ और अब लक्ष्मी नारायण का विवाह हो जाए तो लोक कल्याण हो जाएगा। मंगलम जया मंगलम। आपको क्या लगता है सुधाकर? किस बारे में? यही लक्ष्मी नारायण का विवाह। तुम्हारे लायक नहीं है लक्ष्मी, तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा नहीं है सुधाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोली? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल रही है। शर्मा रही है लक्ष्मी। और आगे क्या सोचा? उसका बाप